सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। सलमान खान की फिल्म भारत का टीजर शुक्रवार को रिलीज हुआ है। सिर्फ 1.5 मिनट के इस टीजर में सिर्फ सलमान ही छाए हैं और मल्टी स्टारर फिल्म होने के बावजूद इस टीजर में उनके अलग अलग लुक्स को दिखाया गया है। नेवी ऑफिसर से लेकर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेते सलमान अपने सभी लुक्स में प्रभावित करते हैं। इससे पहले सलमान डायरेक्टर अली अब्बास के साथ सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी सुपरहिट फिल्में कर चुके हैं और इस फिल्म से भी सलमान खान के फैंस को जबरदस्त उम्मीदें हैं। भारत इससे पहले भी चर्चा में आई थी जब वो फिल्म के लिए शूट करने के लिए लुधियाना पहुंचे थे। दरअसल फिल्म में भारत पाकिस्तान विभाजन भी स्क्रिप्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि वाघा बॉर्डर पर शूट किया जाए, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से BSF ने वाघा बॉर्डर पर शूटिंग करने की परमिशन नहीं दी। ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने लुधियाना के गाँव वल्लोवाल में ही वाघा बॉर्डर का सेट लगाया। वाघा बॉर्डर सेट को बनाने के लिए वल्लोवाल गांव के कुछ किसानों की जमीन किराए पर ली गई। फिल्म के मेकर्स ने किसानों को किराए के तौर पर प्रति एकड़ 80,000 रुपए दिए थे और 19 एकड़ की जमीन किराए पर ली गई थी। इसके चलते किसानों को प्रति दिन 15 लाख से ज्यादा रुपए का भुगतान किया गया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।